12 मार्च 1993 इस दिन मुंबई में हर तरफ लाशें बिछी हुई थीं और 12 धमाके के बाद लोगों को अगले धमाके का डर बना था। वेल, ये कैसे धमाके हो रहे थे ये जानने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, इस पूरे इंसिडेंट में पहला धमाका मुंबई के स्टॉक एक्सचेंज में लगभग दोपहर के 1:30 बजे होता है और आखिरी धमाका दोपहर के लगभग 3:30 बजे। इस 2.5 घंटे में लगातार एक के बाद एक धमाके हो रहे थे और टोटल 12 धमाकों में 300 से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि टाइगर मेमन, जो कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के कहने पे ये सब 19 लड़कों से करवाता है जिनको ट्रेनिंग पाकिस्तान से दी गई थी। इस अटैक में जो लोग पकड़े गए थे उनसे ये भी पता चलता है कि 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद गिराया गया था उसमें बहुत से मुसलमानों की जान चली गई थी और उसी का बदला लेने के लिए ये सब ब्लास्ट किया गया था। दोस्तों, इस ब्लास्ट को 29 साल से ज्यादा हो गए हैं लेकिन आज तक टाइगर मेमन और दाऊद इब्राहिम पकड़े नहीं गए। पर इस इंसिडेंट पे एक मूवी भी बनी है ब्लैक फ्राइडे के नाम से। कहानी बहुत लंबी है और इस छोटी सी वीडियो में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है।